Stand is attention. Scout, hands lock. On this spot, full plate march. March, left. दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे देसी फिटनेस कोच यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ अयुब हाशमी। तो आज हम लोग के वीडियो का जो टॉपिक है दोस्तों वो है मार्च पास को लेकर के, क्योंकि कई लोगों को मेरे पास कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, इवन कॉल भी आ रहे थे कि मार्च पास आखिर कैसे करेंगे या मार्च पास में जो कमांड है वो कैसे देंगे। तो दोस्तों हम इस वीडियो में सीखेंगे किस तरह से हम लोग मार्च पास में कमांड देंगे। तो जो मार्च पास होता है वो सबसे पहले मार्च पास के जो वर्ड होते हैं उसको हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, कॉशनरी पार्ट, ठीक है, कॉशनरी पार्ट और एग्जीक्यूटिव पार्ट। व्हाट इज़ कॉशनरी पार्ट? कॉशनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें कि हम लोग अपने जो ग्रुप है, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं या कैडेट हैं, उनको अलर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी हमने बोल दिया कि अटेंशन, स्टैंड इज, तो बच्चा ये चीज़ कर तो लेगा बट उनके बीच में एक रिदम नहीं बनी रहेगी, उन लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा, कोई बच्चा पहले करेगा कोई बच्चा बाद में करेगा। तो इसके लिए हम लोग कमांड में दो चीज़ें यूज़ करते हैं, कॉशनरी पार्ट और एजुकेटिव पार्ट या एजुकेटिव कमांड। तो सबसे पहले जो हमारा कॉशनरी पार्ट है, ये पार्ट में हम लोग क्या चीज़ें बोल सकते हैं और ये क्यों बोलनी ज़रूरी है। अब जैसे मैंने अभी बोला अटेंशन, स्टैंड इज, तो बच्चे को जो स्टूडेंट हैं, ग्रुप है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा। उसके लिए हमको करना है कि इससे पहले एक हम वर्डिंग यूज़ करें और वो वर्डिंग हो सकती है ग्रुप, असेंबली, स्क्वाड, परेड या क्लास। तो जब हम लोग ये चीज़ें बोलेंगे तो हम लोग के बच्चों जो ग्रुप है उसके बीच कोऑर्डिनेशन बैठेगा। और नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट जिसमें कि हमारा जो मेन कमांड रहता है। तो हम जो अटेंशन बोल रहे हैं उसको अटेंशन को सिर्फ अटेंशन नहीं बोल करके उस पर हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रुप अटेंशन, ग्रुप स्टैंड इज, ग्रुप अटेंशन, ग्रुप स्टैंड इज, या स्काउट स्टैंड इज, स्काउट अटेंशन, ऐसे करके हमको बोलना है। तो ये थे हमारे बेसिक कमांड की बात। अब हम लोग को जो कमांड देनी है उसके क्या क्या वर्डिंग्स होते हैं तो वो मैं बोलता जाऊँगा, आपको स्क्रीन पर दिखता जाएगा। तो ग्रुप अटेंशन, ये स्काउट अटेंशन, स्काउट स्टैंड इज, स्काउट अटेंशन, स्काउट स्टैंड इज। अब बच्चों को लाइनअप कराना है, इन थ्रीज में लगाना हो तो फॉल इन या गेट ऑन परेड, ग्रुप गेट ऑन परेड, फॉल इन या इन थ्रीज, उसको हम लोग इन थ्रीज बोलते हैं। जिस तरह से बच्चे तीन तीन की लाइनें बढ़ते हैं तो वो हम लोग बोलते हैं इन थ्रीज। नेक्स्ट जो हमारी कमांड होगी वो होगी राइट टर्न या लेफ्ट टर्न। आप ऐसे बोल सकते हैं स्काउट राइट टर्न, स्काउट लेफ्ट टर्न, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं स्काउट मूव योर राइट, राइट टर्न, स्काउट मूव योर लेफ्ट, लेफ्ट टर्न, और सिंपल सा भी बोल सकते हैं स्काउट राइट टर्न, स्काउट लेफ्ट टर्न, और पीछे मुड़ने के लिए स्काउट अबाउट टर्न। नेक्स्ट उनको ऑन द स्पॉट फुल प्लेट मार्च करानी है, स्टंपिंग मार्च करानी है, तो स्काउट पहले उन बच्चों का हैंड्स लॉक कराते हैं। तो हैंड्स लॉक, स्काउट हैंड्स लॉक कराया, उसके बाद स्काउट हैंड्स लॉक, हैंड्स लॉक होने के बाद स्काउट ऑन द स्पॉट फुल प्लेट मार्च, मार्च, सभी वर्डिंग्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ऑन द स्पॉट फुल प्लेट मार्च, मार्च लेफ्ट। स्काउट
फुल प्लेट मार्च मार्च, तो ये जब हम लोग फुल प्लेट मार्च कराते हैं, मतलब उन लोग को कदम ताल कराते खड़े खड़े, तो ये उसकी कमांड है। अब उनको स्टाइल मार्च कराना है, क्विक मार्च कराना है, जैसे कि स्टाइल मार्च जैसे नॉर्मल मार्च पास होता है, पैर एकदम सीधे रहते हैं, हाथ स्विंग करते रहते हैं, तो वो उसको कराने के लिए क्विक मार्च, क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्विक मार्च या स्काउट स्टाइल मार्च मार्च, स्काउट स्टाइल मार्च मार्च, ये हो गया मार्च के लिए। अब नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है थंब की, तो स्काउट थंब। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और नोटिस कर रहे होंगे, जब मैं ये कमांड दे रहा हूँ तो इस पे जो हमारा स्काउट पार्ट है वो बहुत ज़्यादा खींचेगा, स्काउट, तो सभी बच्चों को अलर्ट हो जाना है उस पे कोई रिएक्ट नहीं करना है, बट अलर्ट हो जाना है कि हाँ कोई नेक्स्ट कमांड मिलने वाली है। तो स्काउट थंब, अब जैसे ही हमने लेफ्ट लेग पे थंब बोला सभी बच्चे थंब कर जाएंगे। तो ये ऐसे करते हमको पूरी मार्च पास करानी है, तो मैं एक एक करके स्टार्टिंग से एंड तक पूरा आपको अभी एक बार बोल देता हूँ। स्काउट स्टैंड इज, स्काउट अटेंशन, स्काउट फॉल इन या स्काउट गेट ऑन परेड, सब लोग इन थ्रीज में लग जाएंगे। नाउ स्काउट लेफ्ट टर्न या स्काउट मूव योर लेफ्ट लेफ्ट टर्न, स्काउट राइट टर्न या स्काउट मूव योर राइट राइट टर्न, स्काउट अबाउट टर्न, तो अबाउट टर्न हो गए पीछे मुड़ गए, स्काउट खुली लाइन चल, तो स्काउट ओपन ऑर्डर मार्च, स्काउट क्लोज ऑर्डर मार्च, ठीक है, स्काउट क्लोज ऑर्डर मार्च, आपको चिल्ला के ये सब बोलना है। फिर इसके बाद राइट ड्रेसिंग होता है आप में, जिसमें लाइन सजती है, बच्चे जो लाइन है वो सीधी हो जाती है, तो स्काउट राइट ड्रेसिंग, जब सब लोग राइट ड्रेसिंग करते हैं, फिर इसके बाद आइज राइट करानी पड़ती हैं, सामने करानी पड़ती है, तो आइज राइट सामने देख, आइज राइट सामने देख। अब नेक्स्ट बात करते हैं चलने की, जो कदम ताल हैं उसकी रिदम बनाने की, कोऑर्डिनेशन बैठाने की, तो स्काउट हैंड्स लॉक, बच्चों के हैंड्स लॉक कराए, फिर इसके बाद स्काउट ऑन द स्पॉट फुल प्लेट मार्च मार्च। अब उनको स्टाइल मार्च कराना है, क्विक मार्च कराना है तेज चल में, तो स्काउट क्विक मार्च या फिर इसके बाद आप लोग बोल सकते हैं स्काउट मूव एडवांस एडवांस, जैसे चलते चलते कभी कभी क्या होता है कि उनको राइट टर्न कराना है या लेफ्ट टर्न कराना है चलते चलते, मूविंग ड्यूरिंग मूवमेंट, तो स्काउट राइट व्हीलिंग, तो वो जो मार्च पास कर रहे हैं वो तो राइट मुड़ जाएंगे, स्काउट लेफ्ट व्हीलिंग, फिर इसके बाद वो लेफ्ट मुड़ जाएंगे। अब स्काउट थंब, तो थंब हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, सैल्यूट, स्काउट सैल्यूट, अब सैल्यूट हो गया तो सामने फ्लैग होगा तो उस पर हो जाएगा, नहीं तो आपको स्पेसिफिक बोलना पड़ेगा स्काउट सैल्यूट टू द फ्रंट, ठीक है, स्काउट राइट सैल्यूट, स्काउट लेफ्ट सैल्यूट, तो इसको बोल सकते हैं ऐसे, स्काउट सैल्यूट टू द राइट, स्काउट सैल्यूट टू द लेफ्ट। अब जब सामने आंखें करानी है, क्योंकि सैल्यूट जब लेफ्ट कर रहे हैं, दाहिने सैल्यूट बाएं सैल्यूट कर रहे हैं, तो उस पर हमको अगर सामने करानी है बच्चों को हैंड्स डाउन कराने, तो स्काउट हैंड्स डाउन। तो ये कई सारी चीज़ें थी जो कि हम लोग को मार्च पास में, हम लोग मार्च पास में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप लोग को हिंदी में भी चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूँगा, तो आप जिनको जिनको हिंदी में कमांड चाहिए होगी वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दें, तो मैं उनके लिए नेक्स्ट टाइम हिंदी में कमांड लाऊंगा, कैसे हिंदी में कमांड दी जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।